हेलो चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस। दिस इज वेरी फैंटास्टिक चैनल टू यू। टुडे आई ब्रिंग वेरी फैंटास्टिक वीडियो फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो हम ये कर रहे थे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी था थोड़ा सा, और एक बात बतानी थी, ये ठीक है, ये बताना। हाँ, ये यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म है, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ये है कि ऐसी बीमारियाँ जो छोटे छोटे पैथोजन से फैलती हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में से फैलते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। सम इंसेक्ट्स सच एज हाउस फ्लाई एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। पैथोजन स्टिक्स टू देयर बॉडी। अच्छा, व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, जब ये मक्खियाँ या फिर पैथोजन वहाँ पर घूम रहे होते हैं और फूड पर बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके पार्टिकल उस पर चिपक जाते हैं। हम दूसरा एग्जांपल बता दें, जैसे आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, उसके लार के अंदर एक मलेरियर पैरासाइट प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है, मलेरियर पैरासाइट प्रोटोजोआ। एक और आपका मॉस्किटो है, फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ करियर ऑफ अ डेंगू कैरियर। एक करियर होता है, एक कैरियर होता है, तो यहाँ पे कैरियर है ना, ऑफ डेंगू वायरस। आजकल भी डेंगू की बहुत बीमारी चल रही है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, तो सारे के सारे मॉस्किटो कहाँ पे ब्रीड करते हैं, वाटर में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे आसपास जितना भी पानी है, चाहे कूलर में हो है ना, फ्रिज के पीछे हो है ना, फ्लावर पॉट के अंदर हो, कहीं पर भी हो, तो उस पानी को हमें वहाँ से हटा देना चाहिए। ये टेबल्स मैंने पहले बता दी थी कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, जैसे आपका ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, कॉलरा टाइप है ना, टाइफाइड, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, फंजाई से कौन कौन सी बीमारी थी, वायरसेस से होने वाली बीमारियाँ, प्रोटोजोआ, और भी था, जैसे आपका बैक्टीरिया से कौन कौन सी है ना प्लांट डिजीज हो रही है, बैक्टीरिया से कैबेज हो डिजीज़ हो जाती है कैबेज के अंदर, एलगी से कौन सी वाली डिजीज हो रही है, रेड रेस्ट ऑफ द टी कॉफ़ी हो जाता है, और था फंजाई से रेस्ट ऑफ वीट हो जाता है, वायरसेस होते हैं वो येलो वेन मोज़ेक ऑफ लेड फिंगर हो जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स, मतलब एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, और एज पर जिलस भी फंजाई के द्वारा फैलता है। ठीक है, फुट एंड माउथ आपका वायरस के द्वारा होता है। ये आपकी बीमारियों की बात थी, कम्युनिकेबल डिजीज। डिटेल में आप 9th क्लास में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ेंगे हेल्थ वाले चैप्टर में। हम बात करते हैं, अब हमने ढेर सारा खाना तो बना लिया, लेकिन खाने को एकदम से तो खा नहीं सकते, तो इसलिए हमें फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है। फूड को प्रिजर्व करने वाली बात, जैसे ये मान के चलिए कि मान लीजिए कोई भी नमकीन वगैरह रखी, तो उसके अंदर उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ये इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ फूड मटेरियल्स कंज्यूम्ड बाय अस आर इक्वली यूजफुल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारे माइक्रो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, हाँ, इक्वली यूज टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल मॉइस्चर में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, एंड सूटेबल टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मे प्रोड्यूस सम टॉक्सिक सब्सटेंस। ये टॉक्सिक या गंदा पदार्थ बनाते हैं जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। सच फूड ऑन कंजप्शन मे कॉज फूड पॉइजनिंग, इसे हम फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। फूड पॉइजनिंग कॉज सीरियस इलनेस एंड मे इवन कॉज डेथ। अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ पेरिशेबल
लार्ज क्वान्टिटी ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल कैन बी लॉस्ट ऑफ इट दे आर स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गन। तो दिस वेस्ट ऑफ द पेरिशेबल फूड मटेरियल कैन बी मिनिमाइज टू द लार्ज एक्सटेंट ऑफ यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक अपनाई जाती है, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक आपने पास्टराइजेशन देखा होगा ना। तो फूड प्रिपरेशन इज डिफाइंड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ अ पेरिशेबल फूड मटेरियल फॉर द लॉन्गर रिटेंशन ऑफ देयर न्यूट्रिएटिव वैल्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज। देखो ऐसा है, अगर हमें ट्रीटमेंट मिलेगा तो स्पॉइलेज से प्रिवेंशन हो जाएगा, ख़राब होने से खाना भी ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ें बुरा होती। अब हमें मेथड्स कौन सा अपनाएं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, तो मेथड अपनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन करना है। तो लेट अस लर्न ऑफ द सम इम्पोर्टेंट मेथड दैट एम्प्लॉयड बाय द प्रिजर्वेशन। हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम अ फ्रूट। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, ये एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जो पानी को ख़त्म कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है इंसानों की बॉडी से। अब इसके लिए ऐसा माना जाता है कि ये देवी शक्ति की तरह ही होती है, ठीक है। वो जैसा भी जिसका परसेप्शन है वैसे आप कर सकते हैं। हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन प्रिजर्वेशन यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। अगर हम सॉल्ट और शुगर लगा करके किसी पदार्थ को रख देते हैं तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। वो 2 घंटे में ख़राब होने वाला था तो कम से कम 1.5 घंटे और लगते हैं, 3.5 घंटे लगते हैं। द मेथड ऑफ एडिंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट टू प्रिजर्व फूड है ना, इज कॉल्ड साल्टिंग, इसे हम सॉल्टिंग कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ रॉ फूड सच एज मैंगो, आमला, बीन्स, फिश एंड मीट, ठीक है। शुगर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड। शुगर भी फूड के प्रिजर्वेशन के लिए यूटिलाइज होती है। हाई परसेंटेज ऑफ शुगर और सॉल्ट रिमूव्स वाटर फ्रॉम द फूड मटीरियल। अ शुगर सीरप कंटेनिंग मोर देन 68% शुगर कंटेंट हैज़ वेरी लिटिल मॉइस्चर इन इट, मतलब इसमें कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मॉइस्चर कम, ठीक है। देयरफॉर बैक्टीरिया कैन ग्रो इन इट। तो प्रिवेंशन यूजिंग ऑयल एंड वेनेगर, प्रिवेंटिंग मतलब यूजिंग, अच्छा ऑयल ऑफ वेनेगर को यूटिलाइजेशन कम करना शुरू कर दो। यूज ऑफ ऑयल एंड वेनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ द पिकल, बिकॉज जो खाना तुम्हें अभी खाना है, ठीक है। हाँ चलिए, अच्छा यूज ऑफ ऑयल एंड वेनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। आपने देखा जब भी अचार की मिर्च बनाई जाती है, नींबू बनाए, कुछ भी बनाया जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं। वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फिश आर प्रिवेंटेड बाय द दिस मेथड। एक है डीप फ्राई, किसी भी पदार्थ को खूब गर्म कर दो ऑयल में, तब उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ डायरेक्ट, मतलब ये प्रकार का डायरेक्ट मेथड है, इसे हम डायरेक्ट मेथड कह सकते हैं। एंजाइम्स प्रिवेंटिंग द बैक्टीरिया, तो तुम खोलती को पानी में डालो, कहाँ बैक्टीरिया बचेगा, ठीक है। तो एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, बैक्टीरिया ग्रोथ होगा, ये एक्टिव रहेगी, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रोथ हल्की सी असर पड़ते, बाकी का तो सब सही है। चलिए हम बात करते हैं केमिकल प्रिवेंशन की। अभी जो हम प्रिवेंशन कर रहे थे वो नॉर्मल था, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रिवेंशन की, इसके लिए हमने सेना को ज्वाइन किया है। तो हाँ, द केमिकल सब्सटेंसेस एडेड टू फूड मटेरियल टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसे हम केमिकल प्रिजर्वेशन कहते हैं। केमिकल प्रिजर्वेशन मतलब सम कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव आर सोडियम बेंजोइट और सोडियम
मेटा बाईसल्फाइड, सोडियम मेटा सल्फाइड। इसके बाद है इरेडिएशन, मतलब देयर इज अ मॉडर्न स्कूल ऑफ फूड पार्टिकल, द प्रोसेस ऑफ ऑक्यूपाइंग फूड है ना मैच मटेरियल टू द हाई एनर्जी रेडिएशन इज कॉल रिफ्रैक्शन इरेडिएशन। इरेडिएशन को ही हम रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। अब एक गामा रेज, गामा रेज और उसकी बात करें, हाँ चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे फूड प्रिजर्वेशन हो गया, हाँ केमिकल प्रिजर्वेशन बता दें क्या 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 हमें यूज करना पड़ेगा केमिकल प्रिजर्वेशन के लिए। हमें यूज करना पड़ेगा, हाँ हमें इरेडिएशन, जैसे आपका दिस इज मॉडर्न मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इरेडिएशन फूड प्रिजर्वेशन का मैथ, तो गामा रे से उसका बॉम्बार्डमेंट करवा देते हैं। कैनिंग, कैनिंग का मतलब किंग ऑफ फूड एंड स्टोरिंग इन स्टेरिलाइज टिन कंटेनर, छोटी छोटी पेप्सी कंटेनर होते हैं उसमें भी फूड रख सकते हो आप। फिर है पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन तो आप जानते हैं ईस्ट के द्वारा होता है ना, मिल्क एसिडिटी टू और 70% एंड किल द मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब जब दूध के अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द पाश्चर, इसलिए उनके नाम पे। अब है वैक्यूम ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय एनी पाउडर, ठीक है, एनी मॉइस्चर करंट प्रोवाइड। अब स्टोरेज और पैकेजिंग, हर चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो स्टोरेज कैसे करते हैं ये भी है। एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इट प्रोवाइड अ फूड फॉर द लिविंग बीइंग, इट एक्ट एज अ, दूसरे तरीके से देखो उसको, हाँ। सेकंड पॉइंट देखो, इट इंक्रीजेज द स्टोरेज ऑफ स्टोरेज पीरियड ऑफ द फूड मटेरियल, ठीक है, हेल्प इन ऑब्टेनिंग ऑफ स्क्रीन फूड। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखना चाहते हैं वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे देख लीजिए। ये आपके नोड्यूल्स हैं, क्या हैं ये नोड्यूल्स, जहाँ पर राइबोसोम चिपका हुआ है, इस ये आपका नाइट्रोजन साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं फॉर प्रोसेस कन्वर्टिंग, बहुत तेज कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, इसके अंदर तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस प्लांट के द्वारा नहीं ली जाती, नाइट्रेट्स किए जाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस से ना अमोनिया बनाने के मेथड को हम नाइट्रेट्स कह सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जब एक्सक्रीट करता रहता है नाइट्रोजन, अब ज़्यादा खाएगा तो एक्सक्रीट कर दिया। सम नॉन ल्यूमिनस प्लांट सच एज एलमंड, एलमंड्स और गैंको और जो सेक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है तो उसके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग की जाती है जिसमें लाइटनिंग एटमॉस्फेयर ऐसे आज नहीं बिजली कड़की थी वैसे नाइट्रोजन साइकिल दिख लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल एक सेंटेंस में समझो, जो भी मटेरियल था पदार्थों के अंदर वो डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होकर के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली गई, ठीक है। इसे हम कहेंगे, ये आपका डायग्राम है छोटा सा, इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो, चलो ले लिया स्क्रीन शॉट, आगे बढ़ते हैं। सही बात है, चलिए। तो ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम था, उसमें होता ये है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले वो नाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्लांट के द्वारा है ना एब्जॉर्ब हो जाता है, ये सब प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, फिर वो प्लांट और एनिमल मर गए, फिर वहीं पहुँच गया, या फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया बैक्टीरिया डिजीज़ के लिए आपका, और ये यूज हो रहा है लाइफिंग गैस के लिए, ये यूज हो रहा है बैक्टीरिया
इसलिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब जो एग्ज़ाम में आ रही है चीज़, बस उसी को पढ़ा देता हूँ, बस खत्म। ठीक है, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ क्या है, चलिए। द मैथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाई एडिंग सॉल्ट इज कॉल्ड साल्टिंग। ठीक है, तो इसका आंसर वन सही होगा। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज़ द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स नाइट्रोजन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज़ द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इज कॉल्ड राइजोबियम। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ इज पैरामीशियम इज प्रोटोजोआ, अमीबा इज प्रोटोजोआ एंड यूग्रिना। फोर्थ क्वेश्चन है ना, बैक्टीरिया विच इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ द फूड, तो एसीरिया कोलाई ए सही है। मिल्क इज कवर्ड कन्वर्टेड इंटू मिल्क पाउडर, मिल्क को मिल्क पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वैक्यूम ड्राइंग से किया जाता है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं, क्योंकि हम आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। ठीक है, और जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, शेप का होता है। एल्गी, एल्गी विच मेक्स देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, एल्गी किसके द्वारा फूड बनाते हैं, है ना, क्लोरोफिल के द्वारा, ये सिलेंड्रिकल और माइक्रोब्स, ये आपके आंसर थे। इसके बाद है बायोट्यूलिनम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इंटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया इंटू नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, टू फॉल्स आ नहीं रहे, फ्रिंदर ब्लैंक्स आ रहे हैं और वेरी शॉर्ट आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कह रहे हैं, वेरी शॉर्ट कह रहे हैं। तो वाट आर माइक्रो, आँखों से न दिखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दे दो, फंजाई का और प्रोटोजोआ का और एनिमल आपका एल्गी का। तो नेक्स्ट है नेव, नेम टू फूड मटेरियल विच आर प्रिजर्व्ड बाय सन ड्राइंग, ड्राइंग जैसे आपने देखो सन में पिघल वगैरह रखते थे, और भी चीज़ें जैसे गेहूँ वगैरह है ना वो रख देते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है ना नाइट्रोजन साइकिल, यूजफुल नाइट्रोजन साइकिल में राइजोबस वगैरह, ये एजोटोबैक्टर, नाइट्रो एजोटोबैक्टर, ये कुछ बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एज अप्लाई टू डे टू डे लाइफ। हमारे जब हम ईस्ट का यूज करते तो उसको फर्मेंटेशन होता है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और स्पेशली मैं आपको दोबारा से बताऊं कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है पार्ट वन एंड पार्ट टू तो अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड हमारा पार्ट टू के लिंक पे टैप कीजिए, उसके बाद आप हमारी वो वीडियो देखिए। अगर आपको हमारी पार्ट वन की वीडियो भी चाहिए तो पार्ट टू के डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट वन का लिंक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।